दिल्ली में? हाँ, उम्मीद तो है, इसी उम्मीद पे वोट दिए हैं आपको, और देखते हैं कि कैसे नतीजे आते हैं। 15 साल से बीजेपी को देख रहे हैं, तो इस बार सोचा कि थोड़ा इनको भी, आपको भी वोट दे के देखें। क्या पता ये जो हमारे काम जो हैं, जो बीजेपी से हम उम्मीद कर रहे थे उन्होंने नहीं किए, क्या पता आप जो हैं आके काम करें। क्या चाहते हैं? सबसे पहले कौन से काम होने चाहिए आप एज अ महिला को देखते हुए? जैसे मैं, रोड है, सड़कें हैं, बहुत गंदगी रहती है, कूड़ा इधर उधर फैला रहता है, जगह जगह देखते हैं, कहीं भी जाते हैं तो नालियों से पानी निकल रहा है, सीवर ब्लॉकेज है, ये सब बहुत दिक्कतें हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं कि पहले इस पे काम हो, क्योंकि सड़कें ही जहाँ आम जनता घूम रही है, वही प्लेस अगर अच्छा नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, तो फिर कोई वो नहीं है कि आप कितने बड़े बड़े काम कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, जनता बदलाव चाहती थी, गंदगी से बहुत त्रस्त हो गई थी, इसीलिए हम लोगों ने और जनता ने केजरीवाल जी को चुनाया है, जिससे कि उन्होंने जो वादे किए थे वो अपने पूरे कर सकें, और पता चले कि हमें कि हाँ, केजरीवाल जी जो वादे कर रहे हैं वो झूठे नहीं हैं, वो कोई जुमले नहीं हैं, वो उस पर खरे उतरेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आगे विधानसभा के भी चुनाव हैं, उसमें भी जनता फिर जवाब दे सकती है। अब हम चाहते हैं कि अब हम घर से निकले तो नालियाँ साफ़ मिलें और गंदगी ना दिखाई दे, तो इसीलिए हम लोगों ने केजरीवाल जी को MCD में चुनकर भेजा है, जिससे कि गंदगी पर सफाई हो, और फिर आगे विधानसभा भी है, उसके बारे में फिर सोचेंगे। जो सरकार अभी आई है केजरीवाल जी की, काफ़ी पॉजिटिव रुख है पब्लिक का, मेरा अपना भी खुद का, और अगर काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादातर आम पब्लिक बहुत पॉजिटिव वे में ये इलेक्शन लिया है, जो बात हुई है बहुत अच्छा रुझान रहा है। अब अगर किए हुए वादे भी पूरे हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। भाई, समस्या है जैसे साफ़ सफाई है, नालियाँ बंद पड़ी हैं, गंदगी फैली हुई है, महिलाओं के लिए जो दिया गया बहुत सारा, उनकी तरफ से कुछ जैसे बसों की सेवाएं हैं, फ्री हैं, महिलाओं के लिए कुछ दी हुई व्यवस्थाएं हैं, है ना। अगर और ज़्यादा उनको ज़्यादा सहूलियतें मिलेंगी तो और ज़्यादा अच्छा रुझान होगा सबका। तो आए हैं वो बहुत सुलझे हुए लोग आए हैं, और मुझे लगता है कि पूरे करेंगे जो वादे किए हैं ना पब्लिक से, जो वादे किए हैं आम जनता से, वो पूरे करेंगे। पब्लिक खुश है।